अपनी दो दिवसीय यात्रा में इमरान खान सऊदी अरब से कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहे। ना कश्मीर मुद्दे पर साथ मिल सका और ना इमदाद, पर पाकिस्तान फिर भी बोल रहा है सब ठीक है। पर ठीक क्या है जिसे ठीक किया गया हो? बकलोली में मारत एक पाकिस्तानी ने तो यहां तक कह दिया कि एक महीने के भीतर ही पाकिस्तान की सूरत बदलने जा रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान में 17 इंडस्ट्री लगा रहा है, अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है। पर कमाल की बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच न कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ और न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि दोनों देशों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं। फिर ठीक क्या है जिन लोगों को यह मालूम नहीं कि मदरसा छाप लोगों को गधैया नर्तक करने के मौके कैसे पैदा किए जाते हैं और कैसे इन लोगों को चने के पेड़ पर तहमंद बांधकर चढ़ाया जाता है? पहले उन्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि इससे पहले भी चूंकि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहा था, मगर अब वो सरमायाकारी इस कदर ज़्यादा होगी कि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर नई इंडस्ट्री लगेगी और पाकिस्तान के अंदर इस कदर पैसा आएगा कि जो पाकिस्तान में डॉलर्स की कीमत बढ़ रही है, जो डॉलर की कीमत की वजह से पाकिस्तानी रुपए की कीमत में फ़र्क आ रहा था, कमी आ रही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी और इसी माह के अंदर पाकिस्तान में दोबारा एक सऊदी बिजनेस कम्युनिटी जो है बड़ी सतह पर वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। पाकिस्तान के अंदर 17 बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का फैसला हो चुका है। अर्थकार जो है सऊदी जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू करेंगे और आइंदा साल में आप देखेंगे कि आइंदा जो साल है पाकिस्तान के अंदर बड़ी इतनी इंडस्ट्रियाँ लगेगी कि जिसमें मजदूरी ये तय हुआ है कि वहाँ पर जो काम करेंगे वो पाकिस्तानी मजदूर करेंगे और उसको जो हेड करेंगे वो सऊदी जो सरमायाकार है वो करेंगे। इस पर ये पाकिस्तान है, यदि ऐसी बकलोली नहीं करते तो आज ये मदरसा छाप नहीं होती। जितनी इनकी जीभ चलती है कभी इनका दिमाग नहीं चला। हकीकत तो यह है कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे में एक बदनुमा दाग है, यानी इनको सुनना सिर धुनना है। हालत यह है कि पाकिस्तान में एफडीआई में कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, विदेशी कंपनियां या निवेश करने से कन्नी काटने लगी है। जुलाई और अगस्त के 2 महीने में ही 58% की कमी आ चुकी है। यह पाकिस्तान स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। इसके लिए आम जनता से जुड़े कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे पाकिस्तान की स्थिति साफ साफ नजर आती है। सिंध में कुत्ते के कांटे की वैक्सीनेशन गायब हो गई है। केवल इतना ही नहीं, इस मुल्क में कैंसर जैसे रोग की दवा भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है। उससे भी खतरनाक बात यह है कि बच्चों के साथ जानती में बढ़ोतरी हो रही है। एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक 2019 में जनवरी से जून तक 1300 बच्चों को कुकर्म का निशाना बनाया गया। अकेले लाहौर में 1 महीने में ऐसे 50 मामले आए हैं। डेंगू कंट्रोल से बाहर है, कांगू वायरस भी कंट्रोल से बाहर है और अब तो मलेरिया भी कंट्रोल से बाहर हो गया है। मासूम बच्चों के साथ रेप भी कंट्रोल से बाहर है। महंगाई और करप्शन तो पहले से ही कंट्रोल से बाहर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सब ठीक है। पाकिस्तान 1 महीने में सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, परंतु असलियत यह है कि 1 महीने बाद पाकिस्तान की स्थिति और भी दुष्कर होने वाली है। पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा है कि अगले महीने से महंगाई में 2% की और बढ़ोतरी होने जा रही है। यदि इसी महंगाई की तुलना पाकिस्तान के पड़ोसी देशों से की जाए तो भारत में 3.2% है तो बांग्लादेश में 5.3%, जबकि पाकिस्तान में 11.2% महंगाई है। यानी यह तब्दीली है। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें मच्छर खा रहे हैं, सिंध में कुत्ते काट रहे हैं और पंजाब में बच्चों को मुल्ला नोच रहे हैं। मतलब जिस इमरान के पास मच्छरों और कुत्तों से निपटने की ताकत ही नहीं है, वह पाकिस्तान को 1 महीने में सोने की चिड़िया बनाने का ढिंढोरा पीट रहा है। पर लगता यूं है कि इस जनाब को परिंदों और भैंसों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि भिखारी आजम को घूम फिर कर आना यही है। किसी भी सरकार की सफलता का मापदंड जनता की जीवन शैली होती है।
पर यहां जनता फांके मार रही है और इमरान खान बुशरा खान के साथ सऊदी अरब में उमरा करते घूम रहे हैं। यानी सऊदी अरब से बस यही एक सौगात मिली है कि इस भिखारी देश के भिखारी वजीर आजम को उमरा करने की इजाजत दे दी, बाकी सब ठीक है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।